गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ समर एसेंशियल्स की, जिनकी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैं साथ ही साथ में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती जाऊँगी जो कि बहुत ज़रूरी होंगी, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है सनस्क्रीन। घर से बाहर आप जब भी निकले, मेक श्योर आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें अपने फेस और अपने एक्सपोज बॉडी पार्ट्स पे। मेरे पास ये न्यूट्रोजीना का अल्ट्रा शियर सनब्लॉक है, जिसमें 50+ SPF है, जो कि काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है और ये बिल्कुल भी ऑयली और ग्रीसी फील नहीं देता है स्किन पे। और जहाँ तक है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोशिश करिए जिसमें SPF हो। जैसे कि मेरे पास ये दोनों बेबी क्रीम्स हैं, पॉन्ड्स की बेबी क्रीम और गार्नियर की बेबी क्रीम, दोनों में ही SPF है। और ये ओलिविया का पैन स्टिक जिसमें SPF 12 है, और ये काफ़ी अच्छा पैन स्टिक है गाइस, ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर नहीं किया है। और सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स हैं और डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी अपने, तो मेक श्योर आप ज़रूर चेक कर लें। इसका मैंने सेपरेट रिव्यू भी किया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं स्क्रीन पे उसका लिंक दे दूंगी। और ये है मेरे पास लैक्मे का फाउंडेशन, और गाइस इसमें भी SPF है, SPF 8, ज़्यादा नहीं है पर सही है, ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। इसका भी मैंने सेपरेट रिव्यू किया है, तो नहीं देखा हो आपने तो मैं इसका भी लिंक दे दूंगी स्क्रीन पे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टोनर, और गाइस टोनर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है आपके लिए, क्योंकि आपका फेस क्लींस करने के बाद भी कुछ डर्ट रह जाता है जो कि नहीं निकलता, तो गाइस ये टोनर उस डर्ट को निकालने में, बचा कुचा डर्ट भी निकालने में बहुत ही हेल्प करेगा। उसके लिए मेरे पास है ये आयुर का हर्बल्स स्किन टोनर, काफ़ी अच्छा टोनर है, मतलब मुझ पर सूट करता है, बट अगर आप चाहें तो बायोटिक का पोर टाइटनिक टोनर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ दैट ऑलवेज यूज़ लाइट वेट मॉइस्चराइज़र इन समर्स, जिसके लिए मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है एलोवेरा जेल। गाइस मैं भी इसी को यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे। मेरे पास ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है जो मेरी स्किन को सूट कर रहा है अच्छे से, बट अगर चाहें तो आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। ये आपके फेस को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ कूलिंग इफेक्ट भी देगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है गर्मियों में। मेरे पास ये लैक्टो कैलामाइन लोशन है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, बट गाइस अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि गर्मी में हमारी स्किन बहुत ही ऑयली और ग्रीसी होने लगती है, तो इसीलिए आपको लाइट मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करना चाहिए। मेरे पास ये नीविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र भी है, जो कि काफ़ी अच्छा है, बट पता नहीं क्यों मेरी स्किन को सूट नहीं करता है, बट मेरी मम्मी को कर जाता है, तो ये भी एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और आप हैवी फाउंडेशन के जगह बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं जो कि लाइट वेट होती हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमेशा अच्छा स्मेल करना। गर्मियों में हमें इतनी स्वेटिंग होती है कि आपको अच्छे डिओड्रेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जिसके लिए मेरे पास ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, नीविया का डिओड्राइज़र है। ये गैस फ्री फॉर्मूला है गाइस, तो ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है मैं आपको बता नहीं सकती, ये नेक्स्ट डे तक आपको अच्छा फ्रेश कराए रखेगा, बिल्कुल भी कहीं स्मेल नहीं जाएगी इसकी, चाहे आपको कितना भी स्वेटिंग आ रही हो। साथ ही साथ में ये हमारी बैड ऑर्डर को भी कंट्रोल करता है। ऑलवेज गो फॉर मैट प्रोडक्ट्स, क्योंकि गर्मियों में हम लोगों को इतनी स्वेटिंग होती है कि हमारे फेस पे मेकअप इतनी देर तक टिकता नहीं है, इसलिए आपको मैट प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन है, ये काफ़ी अच्छी मैट फिनिश देता है फेस को। आप चाहें तो मेबेलिन का पोरलेस मैट फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। और कॉम्पैक्ट के लिए मेरे पास ये ब्लू हेवन का UHD कॉम्पैक्ट है गाइस, ये ट्रस्ट मी ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, 6 to 7 hours तक ये आपके फेस पर स्टे करते रहेगा, और ये आपके फेस को बिल्कुल मैट फिनिश देगा गाइस। और आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। ये मैं सारे प्रोडक्ट्स जो इसमें दिखा रही हूँ गाइस बहुत ही अफोर्डेबल हैं, आप इजीली ख़रीद सकते हो।
और ये सब प्रोडक्ट्स मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं। लिपस्टिक के लिए आप मैट लिपस्टिक यूज़ कीजिए, मेरे पास ये ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफ़र मैट लिपस्टिक है और मेरा शेड है रेस्पबेरी लव। गाइस ये बहुत ही कंफर्टेबल है लिप्स पे और साथ ही साथ में मैट लुक देती है। यूज़ ए फेस मिस्ट। गाइस जब भी हम समर्स में बाहर जाते हैं तो हमारा फेस बहुत ही जल्दी टायर्ड और डल दिखने लगता है क्योंकि बहुत धूप पड़ती है हमारे फेस पे इसी वजह से। तो जो फेस मिस्ट होता है वो हमारे फेस को इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देता है और ग्लो दे देता है। तो उसके लिए मेरे पास ये है क्रोनोकेयर का पॉलिश टॉप फेस और ये पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है। आप चाहें तो कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फेस मिस्ट है। और वेट वाइप्स भी आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए, आप कहीं भी जा रहे हो ये तो आपके पास होने ही चाहिए। मेरे पास ये जॉनसन्स बेबी के वेट वाइप्स हैं। डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर लिप्स। समर्स में डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें लिप बाम यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए मेरे पास ये निविया का ओरिजिनल लिप बाम है और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करता है लिप्स को। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग है टेक अ पेयर ऑफ सनग्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, अपने स्किन के साथ साथ आपको अपनी आईज़ को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है सन की हार्मफुल रेज से। तो उसके लिए आपको सनग्लासेस ज़रूर पहने हैं जब भी आप घर से बाहर निकलें और ये आपकी आईज़ को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ स्टाइलिश भी लगते हैं। सो गाइज ये थे मेरे कुछ समर एसेंशियल्स। और हाँ गाइज, इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है जो मैंने बताया है जब तक आप हाइड्रेट नहीं रहोगे। तो ध्यान रखें कि आप खूब सारा पानी पिएं इन गर्मियों में, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो वो अंदर से ही अच्छे से ग्लो करेगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रही होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और गाइस मैं जानती हूँ कि मैं आजकल बहुत ही कम वीडियोज़ डाल रही हूँ, मैं एक हफ्ते के अंदर अपलोड कर रही हूँ एक वीडियो, बट गाइस ट्रस्ट मी मैं भी बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो डालना चाहती हूँ, बट अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। अब एक महीने तक शायद मेरा ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली मैं अच्छे से वीडियो डालूंगी आपके लिए। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलूंगी। गुड बाय, टेक केयर, लव यू।